अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। रिकॉर्डेड वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि शुरू में ही आपको बता दूँ कि क्या मकसद क्या है इस वीडियो का। इस मकसद ये है कि बिल्कुल जो नए लोग हैं या जो एडवांस लेवल भी कर चुके हैं, अपने ब्रेन को ट्रेन कैसे करना है आपने, और ये पता कैसे चलता है कि किस वक्त निकलना है मार्केट से, और इतनी अगर साइंस नहीं भी आती तो अपने दिमाग को कैसे ट्रेनिंग दी जाए फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप लेवरेज की तरफ जाना चाहते हैं, फ्यूचर की तरफ जाना चाहते हैं, तो आज मैं आपसे एक सीक्रेट वो शेयर करूंगा जो मैं खुद भी इंप्लीमेंट करता हूं और शायद सुनने वालों को बहुत अनोखा लगे या अलग लगे। दो तरह के इसमें मेथड्स हैं और मैं उनको आपके सामने बताना चाहूंगा, और तरीका सिर्फ सिंपल है। बाइनेंस पे आप गए, ठीक है, शुरू में तेज बताऊंगा फिर मैं जरा लाइव कमेंट्स पे दे आके आहिस्ता भी बता दूंगा। आप गए बाइनेंस पे, आपने जाने के बाद यहां क्लिक किया, ठीक है, यहां क्लिक करने के बाद आपने कोशिश ये करनी है कि आपके पास हेडफोन्स हो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, हेडफोन्स है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो थोड़ी लंबी वीडियो होगी माजरत के साथ, क्योंकि समझाने में प्रॉब्लम ना हो। आपको क्रिप्टो का कुछ भी नहीं आता, पहली दफा आए या आप एडवांस लेवल पे हैं, आपने बहुत ज्यादा सीख लिया बुलंजर बैंड ये वो ईएमएस, लेकिन फिर भी आप हमेशा फंस जाते हैं और हमेशा नुकसान करते हैं। जैसे आप अपनी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, इस तरह दिमाग की एक ट्रेनिंग होती है। अच्छा, दिमाग की ट्रेनिंग करने के लिए जरूरी क्या है, आपने कुछ देखना है, लेकिन उस वक्त आसपास कोई नहीं होना चाहिए। वो जो आप वक्त गुजारते हैं ना सिर्फ मोबाइल पे देख के यहाँ वहाँ, वो आपने ये देखना है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट साइंस भी इसकी बताता हूँ। आपने सिंपली सारे इंडिकेटर्स हटा देने हैं। ठीक है, सारे इंडिकेटर्स अगर आ रहे हैं तो देखें यहाँ लिखा हुआ है टेक्निकल इंडिकेटर। ठीक है, यहाँ क्लिक किया, यहाँ पर आपने सिर्फ जो है बोलिंजर बैंड या अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे हैं तो बीबी ले लिया। फर्ज करें आप बाइनेंस पे, आप ट्रेडिंग व्यू पे मत जाए, आपके लिए प्रॉब्लम होगी। आपने ये समझे, आपने बॉडी बिल्डिंग करने के लिए डंबल्स उठा लिए हैं, वो डंबल्स जो आप यूज करेंगे अपने दिमाग की ट्रेनिंग के लिए, पैसे नहीं लगाने। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डालने के बाद बाकी मैं सब हटा देता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने यहाँ आने के बाद ये ज़रा गौर कीजिएगा, एक तो यहाँ क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लिया आपने। ठीक है, फुल स्क्रीन करने के बाद कोई और टैब जैसे मेरे खुले हुए हैं वो नहीं खुले होने चाहिए आपके। ठीक है, अब आपने यहाँ पर जो इंडिकेटर्स हैं इस पर गए और इस पर जो टाइम जहाँ आ रहा है ना टाइम पर गए, और यहाँ जाने के बाद आपने एक मिनट पर क्लिक कर दिया। ठीक है, एक मिनट पर क्लिक किया आपने। अब ये आपके सामने एक बोलिंजर बैंड है जिसको बहुत दफ़ा समझा चुके हैं, बहुत दफ़ा बता चुके हैं, लेकिन अभी आपके दिमाग की ट्रेनिंग की बात हो रही है। मैं घंटों घंटों ये करता रहा हूँ इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपने जब फारिग हैं बिटकॉइन का चार्ट उठाना है, बिटकॉइन यूएसडीटी का, ठीक है, कुछ और नहीं। उठाने के बाद आपने ये बैंड जो है इसको सिर्फ देखना है। ठीक है, कोशिश करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना एक मिनट पर, पहले आपने एक मिनट देखा, ठीक है, देखते रहे, कम से कम डेली इसको 30 मिनट आपने प्राइस को देखना और दिमाग में इस प्राइस एक्शन को बिठाना है। यूजली क्या होता है, ये बोलिंजर बैंड जो यूज़ होता है कि जो तेज़ी है मार्केट में, वोलेटिलिटी है, उसके लिए बेसिकली यूज़ हो रहा होता है कि यार तेज़ी से अगर ऊपर नीचे मार्केट जा रही है तो 4 आवर्स पे 3 आवर्स पे देखिए। लेकिन मैं आसान करके बता रहा हूँ, ये दिमाग की एक्सरसाइज के लिए। आपने इसको एक मिनट पर सेट किया, ठीक है, एक मिनट पर सेट करके इस तरह सिर्फ देखते रहे, कम से कम दिन में 30 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा सिर्फ देखना और कंसंट्रेशन से देखना कि प्राइस कहाँ कहाँ जा रही है, किस तरह जा रही है, और एक मिनट के पे, ठीक है, एक मिनट पे देखना। पहली है, अगर ट्रेडिंग व्यू आपके पास आपको समझ आ गया है, tradingview.com पे जाके वहाँ पर आपने कोशिश करना है, ये वहाँ पे आपने 5 सेकंड के लिए खोला ये, ठीक है, आपने इसकी स्केलिंग की, इसको सेट किया, ये आपको कुछ ऐसे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है आपने एज इट इज़ ऐसे ही देखना है। ठीक है, जो प्राइस बन रही है, जो प्राइस जा रही है, 5 सेकंड, और आपने फिर देखना है इसको 15 सेकंड पे, सिर्फ देखना है। आई नो आपको बड़ी बात लग रही होगी, यार हमें बस कॉइन बता दो, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये देखना है। अच्छा, देखते हुए मोस्टली लोगों के पास एक मिनट का चार्ट ये तो बहुत आराम से आ रहा होगा। ठीक है, आपने सिर्फ इसको जब देख रहे होंगे, कोशिश आपने क्या करनी है, जो जूश कम्युनिटी है, जो जूश ग्रुप्स हैं, वो अपने दिमाग की ट्रेनिंग कैसे कर रहे होते हैं, जो डार्क वेब पे हो रही होती है, डार्क वेब की ट्रेनिंग जो हो रही होती है उसके अंदर वो यूज़ करते हैं, ये लगाते हैं चार्ट और सिर्फ इस बैंड को देख रहे होते हैं, पैसे वैसे नहीं लगाए हुए, फ्यूचर में जाके फ्यूचर के उसमें चार्ट पे वहाँ पर देख रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सवाल आते होंगे, भाई वहाँ क्यों नहीं, जो बता रहे हैं बस उसको आप समझ लीजिए। अभी समझे आप जिम में आए, आपकी ट्रेनिंग हो रही है, तो डंबल उठाने का तरीका है। ठीक है, फिर आपने इस साइंस को समझ लेना है। बाइनल बीट्स जो होती हैं ये दिमाग में आपको आपके दिमाग की अलाइनमेंट के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, स्पेसिफिक दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती हैं जो दिमाग में जाती हैं,
और एक फ्रिक्वेंसी बन के फिर आपके दिमाग को एक सूदिंग इफेक्ट दे रही होती है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं ये बीट लगाता हूँ, हेडफोन लगाता हूँ, सुनता रहता हूँ और मैं ये देख रहा होता हूँ, ठीक है, और इस प्राइस एक्शन को दिमाग में बिठा रहा होता हूँ। अब इसके लिए आपने ये सर्च करना है, ठीक है, एग्जैक्टली ये उठा के कॉपी पेस्ट करें, ये सुनना है, हेडफोन्स लगा के ये ऑन किया आपने, ठीक है, और सिर्फ प्राइस पे फोकस करना है, ठीक है, कि ये दोनों लाइंस के दरमियान चल कैसे रही है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं अपना तरीका बता रहा हूं, आपकी मर्जी, आप वो करना चाहें, मेरे लिए जो बेस्ट चीज है, मैं सूर्य मुजम्मिल लेता हूं, हेडफोन्स लगाता हूं, वजू करता हूं, और बाकायदगी से, आप हंसेंगे, आपको अलग लगेगा, ये मेरा तरीका मैं कर रहा हूं, अगर आपको नहीं लगता हो ये आपका अपना है, बोलेंजर बैंड लगा के ये मैं हमेशा करता रहा, ठीक है, और मैं सूर्य मुजम्मिल लगाता हूँ और अपने दिमाग की तरफ सिर्फ ये ऑन करता हूँ इस तरह, और सिर्फ अब्दुल रहमान साहब ये एक एक्सरसाइज है जो मैंने आपको शुरू में बता दी है। अब मैं आपके पास जरा जल्दी से आपको बताना चाहूंगा कि ये वो एक्सरसाइज है, इसके साथ में और दिमाग की ट्रेनिंग के लिए बताऊंगा, 30 मिनट, लेकिन लाइटें खोली हुई हो, आंखों पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, रूम में कोई और बंदा नहीं होना चाहिए, मेडिटेशन होनी चाहिए, मेडिटेशन के लिए सिर्फ दिमाग में ये आ रही हो, ठीक है। मैं वो बाइनरल बीट्स वो वाली नहीं सुनता, मैं ये सुनता हूँ, ये मेरी अपनी है, जो मेरी अपनी टेक्निक है वो मैंने आपको बता दी, मैं बुलिंजर बैंड को ही यूज करके हमेशा देख रहा था, और पूरे मैं तो घंटों घंटों देखता हूँ कि जहन में मेरे बैठ जाए कि 1 मिनट का प्राइस एक्शन क्या था, ठीक है। यूजली आपको डिफरेंट इंडिकेटर्स और टेक्निकल एनालिसिस अलग बताए जाते हैं, ये वो डार्क वेब की टेक्निक्स है जो कभी आप डार्क वेब पे अगर जो जाता है उसको पता होगी, ठीक है, उसको ये बात पता होगी कि हाँ यार ये इस तरह की दिमाग की ट्रेनिंग क्रिप्टो की मार्केट के लिए, ताकि तेजी से आप सीख सकें, तेजी से आप समझ सकें, क्योंकि आपका दिमाग रेडी नहीं है फ्यूचर ट्रेडिंग लेवरेज या इस मार्केट के लिए, और आप हमेशा परेशान होते हैं। ये तो एक नॉर्मल एक्सरसाइज है, आई नो डिबेटेबल है, लोग कहेंगे ये आप जो बता रहे हैं इसका कोई प्रूफ एविडेंस, ये साइंस वाइंस, आप करके देखिए, आपका नुकसान इसमें कोई भी नहीं है। सूर्य मुजम्मिल अगर आप, मैं कहता हूँ मुसलमान नहीं भी है, ठीक है, आप एक दफा मेरे बोलने पर ट्राई कर लीजिए, बोलिंजर बैंड, और ये मैं बता रहा हूं पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट बात कर रही होती है, और मैं ट्रेड देखें कैसी ले रहा होता हूं, एक मिनट मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूं, जो लोग बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको ये ट्रेड मेरी पता होंगी, कि हम ये खोल के 3 ट्रेड्स मैंने जो है खोली में कितनी की खोली हुई है, और ये वो पुरानी 2 ट्रेड्स हैं जो मैं अगर ये कर दूं तो ये अभी भी उसी तरह है। मैं इतने बड़े लॉस को कैसे बर्दाश्त कर रहा हूं और इतने बड़े उसको कैसे चला रहा हूँ, ये मेरे दिमाग की एक्सरसाइज है। आई नो बहुत सारे लोग इसी से एग्री नहीं करेंगे, मैंने अपना सीक्रेट शेयर किया है, और डार्क वेब पे जिस चीज़ को यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है, क्योंकि 50,000 लोग अब हो चुके हैं हमारे, अब इससे बड़े नहीं बड़े इससे फर्क नहीं पड़ता, 50,000 हमारे यही रहने चाहिए, अब बहुत सारे सीक्रेट, बहुत सारी चीज़ें, और आहिस्ता आहिस्ता डार्क वेब और उस तरफ मूव करने की हम कोशिश करेंगे, कि फेसबुक हमें बैन ना कर दे तो हम वहाँ की टेक्निक्स उठा के डायरेक्ट भी बता दिया करेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चक्कर है वो ये है कि आपके दिमाग की ट्रेनिंग हो जाए कि बड़े से बड़े लॉस को आप बर्दाश्त कर सके, जैसे आप 100 kg के बाद और ज्यादा वेट उठाते हैं, बेंच प्रेस पर और वेट उठाते हैं और तेज दौड़ने लग जाते हैं, दिमाग की ट्रेनिंग का आपको कौन बता रहा है, कौन सिखा रहा है, तो ये आप ट्राई करके देखिएगा। अब आ जाए जरा दूसरी चीज पे, पेपर पेन पकड़ लीजिए, पेपर पेन पकड़ ले, और ये एक ट्रेनिंग है, ठीक है। अब असल सवाल ये होता है हमेशा कि यार ये क्रिप्टो करेंसी बेचनी कहाँ है, जानी कहाँ है, ठीक है। आपने एक चीज हमेशा सुनी होगी कि क्रिप्टो करेंसी की, प्लीज कमेंट छोड़ दीजिए, आप ये देखिए जो मैं बता रहा हूँ, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में सबसे अहम चीज़ जो होती है वो होते TPS, ठीक है, TPS आसान लफ्ज़ों में अगर मैं इसको बाइनेंस अकेडमी की टर्म्स लाऊं तो ट्रांजैक्शन पर सेकंड। कोई भी क्रिप्टो करेंसी इसलिए बनाई गई है कि उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो। टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा कि ब्लॉक साइज क्या होना चाहिए और टाइम इंटरवल वगैरह में नहीं जा रहा, अब TPS वगैरह कितना अच्छा है उसका और किस तरीके से वो ट्रांजैक्शन कर रही है, ये तो एक चीज़ हो गई। बात ये आती है कि क्रिप्टो करेंसी भाई बेचनी कैसे, निकलना कैसे है और कौन सी उठानी चाहिए, तो उसमें सबसे पहली चीज आती है कि वैल्यू। आपको बहुत सारे लोग ये बोलते नजर आएंगे कि यार जो वैल्यू है ना क्रिप्टो करेंसी की, ये हमें नहीं पता कि ये रियल वैल्यू है, ये फेक वैल्यू है, ये कोई वैल्यू है भी कि नहीं है, और ये जो वैल्यू आप बता रहे होते हैं ये क्या क्रिप्टो की कोई, जैसे गोल्ड है, गोल्ड तो भाई हमें नजर आ रहा है, ये तो हमें नजर ही नहीं आ रही, तो जब नजर ही नहीं आ रही तो भाई इसकी वैल्यू कैसे हो सकती है। और ये तो ये वाली बात हुई, आप गौर से समझिएगा, ये सवाल समझेंगे तो आपको समझ आएगा, किसी को भी आप बता सकेंगे आप क्या कर रहे हैं, ठीक है भाई। क्रिप्टो करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, इसमें एक बायर आता है बिटकॉइन खरीदता है, जब दूसरा बायर आएगा तभी मैं निकल सकता हूं, है ना, ये सीधी सीधी बात हो रही होती है, क्लियर हो गई ये चीज, लेकिन ये बात गलत है। इस बात को जब तक आप नहीं समझेंगे तो हमेशा परेशान होंगे, कॉइन नीचे चला गया कभी ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, समझ रहे।
पहले तो आपको ये समझना है कि ये बिजनेस जिसमें आप घुस गए। देखिए ये बातें मैंने 50,000 जब तक मेंबर्स नहीं थे ना तब तक मैंने नहीं बताना शुरू की थी। 50,000 मेंबर का हमने एक टारगेट रखा हुआ था। अब इसके बाद ऊपर ये लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, हमें जो ग्रुप बनाना था इसलिए मैंने ट्विटर के ऊपर एक दूसरे को फॉलो करने वाली बातें भी की, लेकिन यहाँ पोस्ट मत करना क्योंकि एट द रेट इतने लोगों ने पोस्ट किया कि फिर वही पोस्ट अप्रूवल के चक्कर हो गए। मैं तेज इसलिए बता रहा हूँ ताकि रिकॉर्डेड देखने वालों को परेशानी ना हो। अब आपने इस चीज को समझना है वैल्यू, ठीक है भाई। क्रिप्टो की वैल्यू कहाँ से आती है? ये वैल्यू जैसे स्टॉक में कहते हैं भाई पीछे कंपनी है, कंपनी काम कर रही है। कोई भी कॉइन में खरीदता हूँ भाई उसकी वैल्यू ही नहीं है, ये तो पंप एंड डंप है, बस उसने बोला टिप दी चल मेरा भाई हो गया काम। तो वैल्यू के लिए क्रिप्टो को आप जानते कैसे, पहचानते कैसे, इसके ऊपर बड़ी डिबेट होती है हमेशा। जिसको ये बात समझ आ जाती है कि क्रिप्टो की वैल्यू निकलती किस तरह है, वो बहुत पुरसकून होता है, उसे पता है यार कि मेरा पैसा फंसेगा नहीं, मेरा पैसा कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। वैल्यू की बात जो है समझना बहुत बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं समझेंगे तो बहुत बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम आएगी। ये वाली बात आपको समझ आई जो मैं भी आपको बता रहा हूँ वैल्यू वाली बात पे? जहां तक जितनी मैंने बातें बोली है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये बातें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही, प्लीज मुझे जल्दी से बताइएगा ताकि मैं फिर आगे बढ़ूं। जो मैंने आपको बात बताई सर ये आपको समझ आई जितने भी लोग देख रहे हैं? जो लोग देख रहे हैं उनको बात समझ आई है? देखिए पेपर पेन पे लेके बैठिए, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ, वो टेक्निक्स बता रहा हूँ जो इंतहाई डार्क वेब पे सीक्रेट रखी जाती हैं। अपनी सारी बातें छोड़ दीजिए, किसका टारगेट, उसका टारगेट, आपका आपका नुकसान होगा। ये वो चीजें हैं जो हजार हजार डॉलर के ग्रुप में भी नहीं बताई जाएंगी आपको जब तक आप डार्क वेब पे खास मेंबर ना हो, ठीक है। आप वैल्यू को समझिए, प्लीज पेपर पेन लेके बैठिएगा। वीडियो बार दफा यहाँ हो जाती है, जाया होती है, और कोशिश कीजिएगा ये कहीं और नहीं बताएगा। सूर्य मुजम्मिल वाली, बाइनरल बीट वाली, बोलिंजर बैंड वाली एक्सरसाइज समझ आई आपको कि आपको दिमाग को कैसे ट्रेनिंग देनी है? प्लीज मुझे क्लियर कीजिएगा। बुलेंजर बैंड और बाइनरल बीट्स वो सूर्य मुजम्मिल लगाए बगैर नहीं कीजिएगा। ट्रस्ट मी, मैं बहुत पार्टी वाला, बहुत बहुत लिबरल इंसान हूं, लेकिन इसको साइंस के तौर पे समझिए। कसम से अगर आपने एक महीना ये कर ली प्रैक्टिस फिर आप देखें, जिस तरह आप वॉक करने जाते हैं, जिम पे जाते हैं, आप ये लगा के सिर्फ सुनना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखें इनकी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी का चक्कर है, ठीक है, इनकी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी का चक्कर है। सूर्य मुजम्मिल तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, अम्मी से भी कह सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ये वो फ्रिक्वेंसी है जो बाइनरल बीट्स के करीब जा रही है, ठीक है। ये बाइनरल बीट जो है ये भी कोई हराम चीज़ नहीं है, ठीक है, ये कोई हराम चीज़ नहीं है। ये जैसे परिंदे चहचहा रहे होते हैं वो होता है, ठीक है। अब मैं जानता हूँ जो डार्क वेब पे ऑलरेडी एक्सेस रखते हैं वो कहेंगे भाई यार हमें तो पता है, हमें क्या बता रहे हैं। मुझे पता है भाईजान, अगर आपको डार्क वेब का एक्सेस है, अगर आप वो ज्यूइश लोगों की एक्सरसाइज में जाते हो तो आपको पता होगा कि ये किस तरीके से आपके दिमाग की ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन फिर भी इसको प्रॉपर हलाल रखने के लिए, प्रॉपर हलाल रखने के लिए मैं चाहता हूँ कि हम ये यूज़ करें, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। और इन्हीं की आवाज़ की फ्रिक्वेंसी यूज़ करें, ऑलरेडी इनके बहुत व्यूज़ है तो इनके व्यूज़ के लिए तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो ये मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं आपसे शेयर करूँ। ये मैं एक्सरसाइज करता हूँ। अब इसी तरह के आप किसी भी जिम में जाना चाहें, किसी भी ट्रेनर के पास जाना चाहें, मुझे ये सूट करता है। ये बोलिंजर बैंड की एक्सरसाइज आपने लाजमी करनी है, पैसे नहीं लगाने, ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़? हिंदू है, क्रिश्चियन है, जो भी है, आप ये ट्राई करके देखिएगा सूर्य मुजम्मिल की चीज़ और बोलिंजर बैंड का कॉम्बिनेशन, एक महीने करें और आराम से कमरे में अपने। जी आगे बढ़ते हैं वैल्यू पे। अच्छा जी, वैल्यू कैसे आती है ये बड़ी जरूरी है चीज समझने के लिए, और ये कैसे पता चलेगा कब क्रिप्टो करेंसी से निकलना है ना, ये बड़ा एक हमारे पास आता है कि भाई टॉप कौन सा है, और जो जिसे कहते हैं ना एक बार दफा कहा जाता है लोकल टर्म टॉप क्या है, लॉन्ग टर्म टॉप क्या है, और फिर लोकल टॉप्स क्या है, ये टॉप के बारे में बहुत ज्यादा बात होती है। लेकिन उससे पहले बात ये होनी चाहिए क्रिप्टो करेंसी में आप जो आए हैं तो मेरे भाई ये क्रिप्टो करेंसी में टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। पहली टाइप लिख लीजिए अपने पास, क्रिप्टो करेंसी इसी तरह है जैसे गोल्ड सिल्वर है ना, लेकिन अब आप इसकी वैल्यू कहां से आ रही है भाई, पंप एंड डंप है या बाकी कोई कहानी भी है? पहले टाइप की जो क्रिप्टो करेंसी होती है, ठीक है, वो आजकल जो बहुत चल रही होती है जिसमें मैं कहता हूं नसीब कॉइन, वो है मीम कॉइन, ठीक है। ये एक टाइप है क्रिप्टो करेंसी की, ठीक है, जिसमें डॉज कॉइन सबसे ऊपर है। मीम कॉइन एक टाइप आपने पेपर पे लिख लेना है, इस टाइप में नसीब कॉइन है, ये सट्टा कॉइन है। आपके पास ये कितना भी हो जाए, ये लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगेगा, ठीक है। इसके अंदर सबसे अहम चीज ये होती है कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई, लोग हम इसमें क्यों जाते हैं कि हाँ यार छक्का लग गया तो ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ 100 रुपये ज्यादा नहीं लगाने, क्योंकि जब आप इसमें जाते हैं, फर्ज करें अब शिबू है, ठीक है, शिबू कॉइन में मैं गया, आपने कहा यार लगा दो इसमें पैसे, जैसे मैं भी कहता हूँ कि लगा दो, लेकिन आपने इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखनी है। अब ये इतनी ज्यादा है कि ये भाई $1 का होने के लिए इसको जिंदगी बीत जाएगी, तो इसमें लगा के आराम से टप करके बाहर आ जाए, ये इतनी ज्यादा है कि ये नहीं जाएगी। तो मीम कॉइन में डॉज कॉइन वो वाहिद है जो परफॉर्म कर सकता है और करेगा, क्योंकि अब उसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग तो नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह होते जा रहे हैं कि देखें डॉज कॉइन की एक और बात जो है शायद लोगों को ना पता हो कि डॉज कॉइन जो है वो लाइट कॉइन के साथ इंटरचेंजेबल होता है, ठीक है, जो मर्ज माइन होता है ना, मैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज में ज्यादा नहीं जाना चाहता, आप ये समझ लें कि उसका कुछ ना कुछ माइनिंग करके कुछ ना कुछ लाइट कॉइन के साथ सीन ऐसा होता है कि मीम्स कॉइन में वो पड़ जा सकता है। बाकी ये मीम्स कॉइन की तुक्का लग गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक, वो जो चक्कर है ना वो है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एक टाइप जो है क्रिप्टो की कोई मीम कॉइन, ये आपने पेपर पे लिख लिया होगा उम्मीद करता हूं। आप आ गया है
आपने आके सबसे पहले, फिर आता है जी एक टाइप होती है स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू कौन सी क्रिप्टो होती है, ये अगर आप टाइप समझेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी क्रिप्टो में हमें जाना चाहिए, कौन सा लॉन्ग टर्म है, कौन सा शॉर्ट टर्म है, ठीक है मेरे भाई। पूछना ही नहीं पड़ेगा आपको। स्टोर ऑफ वैल्यू की कौन सी क्रिप्टो करेंसीज है, बिटकॉइन, ठीक है। इसी तरह जो बिटकॉइन है, या समझ लें कि आप कहते हैं यार ये बिटकॉइन हमारे पास सिर्फ पड़ा ही रहे तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, और ये डिजिटल गोल्ड है, लेकिन बिटकॉइन की क्योंकि ट्रांजेक्शन, जरा गौर कीजिएगा, ट्रांजेक्शन करने का जो अमल है उसमें फीस बाज दफा इतनी ज्यादा कट रही होती है, या वो इतनी स्लो होती है कि आप दूसरी क्रिप्टो पे जाना चाहते हैं, सही। स्टोर ऑफ वैल्यू जो है एक टाइप होती है वो क्रिप्टो की, जिसके अंदर सिर्फ वैल्यू स्टोर हो सकती है। क्लियर हो गई ये चीज, कि भाई आपने पैसे लिए उसमें रख दिए, जैसे सोना रखा होता है। ये इस तरह की बहुत सारी क्रिप्टो है, तो आपको ये जज करना है जो क्रिप्टो में आप पैसा लगा रहे हैं, क्या ये सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू है या ये जिंदगी में कोई और भी काम कर रही है। क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी टाइप जो है उस पर जाने से पहले आप याद रखें, इंटरनेट वर्ल्ड जो है ना, ये इंटरनेट की दुनिया जो है, इंटरनेट की दुनिया में आपने ये बात याद रखनी है कि यहां पर जो जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ठीक है, उसके पास बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जा रहे होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व क्या है भाई, डेटा सेंटर का कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम ऐसा है कभी यूट्यूब के ऊपर बैंडविड्थ बहुत है, तो वो कोई ऐसा सिस्टम ले आता है कि ये यूट्यूब की बैंडविड्थ बड़ी अच्छी हो जाए, डिसेंट्रलाइज हो जाए। मैं आसान लफ्जों में इसको इस तरह बताता हूँ, फर्ज करें दुनिया में वही लोग तरक्की करते हैं, वही लोग पैसे कमाते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली कोई चीज आपको दे रहे होते हैं, ठीक है, यानी वो प्रॉब्लम कोई सॉल्व करना चाहते हैं। बहुत ही एक सस्ती एग्जाम्पल, मुस्लिम शावर, ठीक है। बहुत ही कोई सस्ती एग्जाम्पल ले लें आप, तो जी फेसबुक आया, फेसबुक ने लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करना शुरू किया। बिल गेट्स आए तो उसने माइक्रोसॉफ्ट लेकर आया। एप्पल आईफोन आया तो उसने बहुत सारी प्रॉब्लम, जब भी इंटरनेट की दुनिया में कोई आपसे कहता है भाई इस क्रिप्टो करेंसी में क्यों जा रहे हो, जब भी इंटरनेट की दुनिया में कोई भी बंदा इंटरनेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है या आसान कर देता है, तो उसकी तरफ बड़े बड़े लोग पैसा लगाने चले जाते हैं कि हाँ इसकी कंपनी की जो क्रिप्टो है वो ऊपर जाएगी। तो आपने ये जज करना है ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू एक नॉर्मल चीज हो गई, ठीक है, आप नॉर्मल तरीके से बिटकॉइन में वैल्यू स्टोर करते हैं। अच्छा, दूसरी जो इसमें टाइप आती है वो आपने लिखना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डैप्स। मैं कोशिश करूंगा और आसान बताऊं, इथेरियम बहुत बड़ी एग्जाम्पल इसकी, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल इसी तरह लीजिए आप, कि जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इस तरह डिजाइन किए गए हैं, इस तरह बनाए गए हैं कि आप ये समझें कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, या जितनी भी ऐसी कंपनी है, ये सारी सेंट्रलाइज्ड एक जगह से चलती हैं, और एक ऐसी जगह से चलती हैं जो कभी भी आपको बैन कर सकती हैं, जो कभी भी आपकी अकाउंट को बंद कर सकती हैं। इसका तोड़ जो है वो इथीरियम का जो फाउंडर है विटालिक, वो लेकर आया और उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस किए। अब जो जो क्रिप्टो करेंसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल कर रही है वो बहुत सारी है, तो आपको ये देखना है कि ये क्रिप्टो करेंसी स्टोर ऑफ वैल्यू के अलावा क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि कोई आपको आईडी कार्ड कुछ नहीं देना, जैसे पैनकेक है ना, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, उसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं देना, आईडी नहीं देनी, कुछ नहीं देनी। दो लोग आपस में डील कर सकते हैं, दो लोग आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज ऑफ वैल्यू कर सकते हैं, दो लोग आपस में कोई भी तबादला ख्याल कर सकते हैं, और वो करने के लिए उसे थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो सही इस्तेमाल और सही तरीके से क्रिप्टो लेकर आएगी, दुनिया उसमें पैसा लगाने ले जाएगी, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे आ गए हैं, ये कार्डानो भी, एडीए, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने वाले, जो कार्डानो की इतनी वैल्यू जा कह रहे होते ऊपर जानी, इसलिए कि वो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर जाने वाले हैं, ठीक है। अब आपने इस चीज को समझना है, ठीक है, कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यहां तक बात समझ आई सबको, ये बात क्लियर हुई, दोनों टाइप आई थिंक क्लियर हो गई होंगी आपके पास, ठीक है। तो एक होगी स्टोर ऑफ वैल्यू वाली टाइप, आपने जज करना है ये स्टोर ऑफ वैल्यू वाली क्रिप्टो या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फिर आ जाती है कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बन रही हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का मतलब ये कि यूट्यूब एक सेंटर से चलता है, अब थीटा नेटवर्क आ गया, या इस तरह की वीडियो स्ट्रीमिंग आ जाएंगी, जैसे जो जिसमें सेंट्रलाइज यूनिट की जरूरत नहीं होगी, तो जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा वीडियो स्ट्रीमिंग की, ऑडियो स्ट्रीमिंग की, पॉडकास्ट की, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तो दुनिया कहेगी यार इसको पैसा देते हैं, ये नेक्स्ट यूट्यूब बनने वाला है, सही है, तो आपकी नजर इस पे होनी चाहिए। तीसरी टाइप जो है वो आप कर लें जी, के जो ओरेकल बेस्ड चीजें हैं आपको नजर आ रही होती है, ठीक है, ओरेकल ब्लॉकचेन, आपको ऐसे लिख के देता हूं, सही है। अब आप ये समझिएगा, इसको आसान लफ्जों में ऐसे समझें, तीसरी क्रिप्टो की टाइप वो होती है, वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो रियल दुनिया जो है ना, रियल रियल डेटा जो है, रियल डेटा, रियल वर्ल्ड का जो डेटा है, जैसे वेदर फोरकास्ट है, ठीक है, जैसे आपको मौसम का हाल बताना है,
तो मौसम का हाल बताने के लिए फेसबुक या फिर आप गूगल पे जाके देखते हैं, वो आपको बता देता है भाई आपके मौसम का हाल ये। लेकिन ये मौसम के हाल का जो डेटा है ये कहाँ से आ रहा है? मौसम के हाल का डेटा जो है कोई सेंट्रलाइज आपको इदारा दे रहा है, ठीक है, आप उस पर डिपेंडेंट है। अब ऐसी क्रिप्टोज आ गई हैं जो मुख्तलिफ जगह से डेटा लेकर आपको वेदर फोरकास्ट या जो भी आपको डेटा चाहिए होता है वो देते हैं। क्लियर हुई ये चीज? जिसकी एग्जाम्पल है सबसे बड़ी ऑरेकल बेस्ड टाइप क्रिप्टो की, वो है चेन लिंक। ये चेन लिंक क्रिप्टो है, इसके आपको ये सोचना है कि यार इन कंपनीज में मैं क्या सिर्फ पैसा दे रहा हूं कि कल को सट्टे की तरह ऊपर जाएगी, मीम कॉइन की तरह बाहर आ जाएगी, या ये कोई रियल वर्ल्ड में यूज केस है इसका, ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है? क्योंकि अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेगी तो ही लॉन्ग टर्म में ये आज भले नीचे जाए कल को ये बहुत ऊपर जाएगी, क्योंकि इसका यूज केस बढ़ता जाएगा। तो ऑरिकल बेस्ड जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जैसे चेन लिंक मैंने अभी आपको बताया, ये वो काम कर रही हैं जिसमें दुनिया में जो ऑरिकल बेस्ड रियल वर्ल्ड का डेटा है, रियल जैसे गूगल मैप्स है। अब गूगल मैप के लिए रियल वर्ल्ड का आपको कोई सड़क का एड्रेस चाहिए, वो आपको इसमें गूगल दे रहा है, लेकिन कल को डिसेंट्रलाइज मैपिंग यूनिट आ जाएंगे तो चेन लिंक प्रोवाइड कर रहा होगा वो वाली चीज। जैसे लिखा है ना, कनेक्ट योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू आउटसाइड वर्ल्ड, आपको ये देखना है कि क्या मेरी क्रिप्टो करेंसी पहली वाली टाइप है, स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसमें आप पैसा लगा रहे हैं, अपनी जमा पूंजी लगा रहे हैं, क्या वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डील करती है? नंबर थ्री, क्या वो ऑरिकल बेस्ड क्रिप्टो है? तीसरी टाइप हो गई, आई होप ये क्लियर हो गई होगी। तीसरी चीज जो है, चौथी चीज जो है, चौथी टाइप जो है वो आप कर लें पेमेंट बेस्ड क्रिप्टो। अच्छा, पेमेंट तो आप कहेंगे वो तो सारी क्रिप्टो करेंसी पेमेंट कर रही होती है। नहीं, सारी में बेसिक तो यही होता है कि पेमेंट और वैल्यू ट्रांसफर हो रही होती है, लेकिन कुछ क्रिप्टो करेंसीज डिजाइन ही हुई हैं इस तरह कि आप जो वीजा कार्ड यूज करते हैं, आप बैंक का कुछ यूज करते हैं, वो पेमेंट करने के जो मसाइल हैं, पेमेंट करने की जो इंटरनेट पे प्रॉब्लम है उसको तेजी से सॉल्व कर दे। तो समझे जो भी ऐसी क्रिप्टो करेंसी होगी वो तो बहुत तरक्की करेगी, है ना? वीजा की जगह अगर कोई आ रही है या वीजा अगर किसी को लेना चाह रहा है तो वो क्रिप्टो करेंसी बहुत करने वाली है। तो पहली टाइप स्टोर ऑफ वैल्यू, दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा ऑरिकल बेस्ड क्रिप्टो करेंसी, चौथा पेमेंट जो ट्रांसफर जो हो रही है ना एक मुल्क से दूसरे मुल्क, जैसे रिपल कंपनी कंपनी, ये दो बैंक के दरमियान दो मुल्कों में जब डिफरेंट करेंसीज होती है उनमें ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये मदद दे रही होती है कि आईबीएन ना यूज हो, तेजी से सॉल्व होता है। ये रियल रियल वर्ल्ड की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है रिपल कंपनी, एक्सआरपी नहीं, रिपल, ठीक है। तो आप ये कहेंगे जी कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है तो क्या मास्टर कार्ड इस पर जा रहा है, क्या इसके ऊपर वीजा वाले जा रहे हैं, ये देखना जरूरी है, ठीक है। अगर नहीं जा रहे तो इसका मतलब ये कि यार हो सकता है एक्सआरपी फिर इतनी तरक्की ना करे, ठीक है, क्योंकि इनकी पार्टनरशिप नहीं हो पा रही, ठीक है। जैसे आप बैंक के अंदर अगर आप कुछ भी रखें, वीजा कार्ड लें, पूरे महीने आप इस्तेमाल करें, आपको एक मिडल मैन, एक थर्ड पार्टी को पैसे देने पड़ते हैं, है ना, एक थर्ड पार्टी को पैसे देने पड़ते हैं और मंथली देने पड़ते हैं भले वीजा यूज करें ना करें। तो इंटरनेट की दुनिया में वो क्रिप्टो करेंसीज जो पेमेंट जो है, पेमेंट वाली क्रिप्टो करेंसीज जो है, यानी पेमेंट ट्रांसफर मेथड को बहुत तेज कर रही है, उनकी बहुत वैल्यू होने वाली है जो मिडल मैन को हटा रही है, जैसे बिटकॉइन कैश, ठीक है। बिटकॉइन कैश ऐसी करेंसी है जो पेमेंट ट्रांसफर तेजी से कर रही है, पेमेंट ट्रांसफर मेथड के तौर पे भी यूज होती है, ठीक है। एक ये हो गई, इसके अलावा डैश, ठीक है, डैश कॉइन जो है ये डिजिटल कैश है, मतलब तेजी से पैसा भेजना, तेजी से, और पार्टनरशिप भी इनकी बहुत हो रही है, ठीक है। तो डैश के ऊपर लोगों की बड़ी नजर होती है, ये मैं टाइप बता रहा हूँ आपको भी, सही है। इसी तरह जैसे एक है टेल कॉइन, ठीक है। अब टेल कॉइन जो है ये बहुत ज्यादा जो है वही काम कर रहा है जो डैश कर रहा है, ये बिटकॉइन कैश वाला कर रहा है। तो आपको ये जज करना है कि क्या कि जिस क्रिप्टो में आप अपनी जमा पूंजी लॉन्ग टर्म में लगा रहे हैं वो क्या पेमेंट ट्रांसफर का कोई सोल्यूशन दे रही है, पेमेंट ट्रांसफर पर काम कर रही है या बस ऐसे ही है, ठीक हो गया ये बात, आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है एक्सचेंज टोकन, एक क्रिप्टो करेंसी की टाइप है एक्सचेंज टोकन की, ठीक है। अब एक्सचेंज टोकन जो है इनको आप देखें, ये मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन, डिस्काउंट और वीआईपी एक्सेस टाइप जो चक्कर होते हैं ना न्यू परचेज पे, जैसे होबी का टोकन है एक्सचेंज के जो टोकन है, ठीक है। ये जो टोकन होते हैं ये सिर्फ एक्सचेंज पे इस्तेमाल हो रहे हैं। अब जैसे आप कहेंगे वो तो बीएनबी बीएनबी, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उधर भी चला जाता है ना, वो फिर दोनों टाइप में आता है। बस ऐसी क्रिप्टोज होती है जो तीन चार चीजों में काम कर रही है, आपको ये देखना है कौन सी टाइप में ज्यादा है। क्या आप उस क्रिप्टो में जाना चाह रहे हैं जैसे कुकॉइन का जो टोकन है, ठीक है, जैसे वजीर एक्स है, ठीक है, ठीक है। अब ये जैसे वजीर एक्स जो है ये आपको जो है एक्सचेंज टोकन के तौर पर भी मिल जाता है, तो क्या आपका वो टोकन जो है किसी एक्सचेंज का टोकन है, ये आपने जज करना है। ये जो मैंने आपको टाइप्स बताई हैं इन इन टाइप्स को जहन में आपको रखना होता है। एक और टाइप है जो मैं रेकमेंड नहीं करता, वो है प्रिवेसी कॉइन्स। प्रिवेसी कॉइन्स जो है इनमें इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको बचना है, जैसे मोनेरो, जी कैश। आप जब बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी में करने जा रहे हैं, कोई सिग्नल मिलता है लॉन्ग टर्म का, तो आपने बोलना यार प्राइवेसी कॉइन तो नहीं है, प्राइवेसी कॉइन तो नहीं है, क्योंकि प्राइवेसी कॉइन पे हुकूमतें क्रैक डाउन करती हैं, ठीक है।
जैसे आप देखें इसमें जो डैश है, डैश अपनी प्रिवेसी को हटा के पेमेंट के तौर पे यूज हो रहा हो तो ठीक है। मोनेरो सबसे ऊपर है, मोनेरो जो है एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड किस्म का यूज करती है कि आपके आप मैंने अगर आपको पेमेंट भेजी है कोई ट्रेस नहीं कर सकता, कोई पता नहीं चल सकता, ठीक है। जी कैश अगर भेज रही है, वर्ज भेज रही है, बीम भेज रहे हैं, ये वो है जिनपे क्रैकडाउन होकर कभी भी एक्सचेंज से डीलिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि इनके थ्रू डार्क वेब की ट्रांजेक्शन ज्यादा होती है, बिटकॉइन के थ्रू नहीं होती, क्योंकि बिटकॉइन तो एक ब्लॉक चेन पे आप ट्रेस कर सकते हैं। तो जो ये वाली टाइप है, अब मैंने आपको तकरीबन 7 या 6 7 टाइप बताई है, ठीक है। प्रीवियसली कॉइन में ये जरा जल्दी वाले कॉइन होते हैं, लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट, आप खुद सोचे ना, एक कॉइन है जो ट्रेसेबल नहीं है तो गवर्नमेंट तो उसे ब्लॉक ही करेगी। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको इन 6 टाइप्स को देखना है जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये वाली बातें आई होप ये क्लियर हुई होगी आपके पास, या नहीं हुई मुझे आपने ये बताना है। ये बात क्लियर हुई, मुझे थोड़ा सा बताइएगा सारे लोग जो है, जो जब आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं तो ये 6 टाइप्स को पेपर पे लिखकर, जब आप कोई आपको कहता है ना जी ये वाली चीज जो मैंने अभी आपको बताई, ये बात क्लियर हो गई। देखो लाइव करने का मकसद ये होता है कि मुझे ये पता चले कि क्रिप्टो की जो चीज है वो आपको समझ आ रही हो, ठीक है। प्रिवेसी कॉइन खतरनाक होते हैं, प्रिवेसी कॉइन जो है वो है। ये आपको ये वाली बात समझ आई कि आपको किसी भी क्रिप्टो में कोई कहता है कि कल को भाई ये तो सट्टा है, आज इधर टिप दी कल ऊपर चला गया, ये तुम क्या बात कर रहे हो, ये आपके पास 7 टाइप्स होनी चाहिए अपने घर में बताने के लिए, दोस्तों को बताने के लिए कि भाई तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे क्यों हो, उस बिजनेस को तो समझो जिस बिजनेस में जाने के लिए तुम पैसा लगा रहे हो, जमा पूंजी लगा रहे हो। कल वकार जका का ग्रुप नहीं हुआ या वकार जका भाग गया, वकार जका मर गया, तो आपको पता होना चाहिए आपने पैसा क्यों लगाया था। भाई जब भी कोई सिग्नल मिले, जब भी कोई चीज आए, जो 6 टाइप्स हैं, ये 6 टाइप्स आपके जेहन में होनी चाहिए। जैसे आप स्टॉक खरीदते हैं ना, आप गोल्ड लेने जाते हैं, आप कोई शेयर खरीदते हैं, टेस्ला का शेयर खरीदते हैं, या मार्केट और आसान कर लो, आप गरारे शरारे खरीदने जाती हैं खातून, तो आप देखती हैं कौन से ब्रांड का है, उस पैसे देते हुए आप कपड़े को चेक करते हैं ना, तो क्रिप्टो को भी तो चेक करना है कि भाई मेरी जमा पूंजी यहाँ जा रही है, ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। तो पहला सवाल हमेशा ये होना चाहिए, जहां मैं पैसा लगा रहा हूँ ये क्रिप्टो प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगी। मुझे ये प्रॉब्लम 2013 में समझ आ गई थी, मैंने टपा टप इसमें पैसा लगा दिया कि मुझे पता था ये है। नहीं, एनएफटी जो है वो कॉइन की सूरत में नहीं आएगा, एनएफटी जो है नॉन फंजिबल टोकन जो है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर, या फिर आप समझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक एप्लीकेशन है, ठीक है। वो कॉइन की सूरत में नहीं, वो कॉइन नहीं होता, वो कॉइन नहीं है वो। आप ये समझें कि आप ये कह रहे हैं एनएफटी का मतलब ये हो गया, आप ये कह रहे हैं कि यार गोटा किनारी कपड़ा है, आप ये कह रहे हैं यार वो जो मैंने जीन्स के ऊपर मार्कर लगाया क्या वो कपड़ा है, वो कपड़ा नहीं है, वो उसकी एक एप्लीकेशन है। गोटा किनारी आपने अपने उसके ऊपर दुपट्टे पे लगाया, मैं इसलिए इस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, खवातीन भी देख रही होती हैं, मेरी बहनें, मेरी जो माँ बहनें वो भी देख रही होती है, तो मैं चाह रहा हूँ जरा उस लैंग्वेज में भी बता रहा हूँ। ये बात आपको समझ आई जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो एनएफटी टाइप में नहीं आएगी, एनएफटी तो एक एप्लीकेशन है ना, ठीक है। देखें अब ये गलत सवाल होते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा कौन सा, या मैं आपको एम्पावर करना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, आप फिर उसी सट्टेबाजी पे आ जाते हैं कि यार मुझे ये बताएं कि अभी बस मैं कॉइन लूँ शॉर्ट टर्म में लगा के बाद। ये इस तरह दुनिया में कोई बिजनेस नहीं होता मेरी जान, कोई बिजनेस ऐसे नहीं होगा, तुम बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। मैं तुम्हें आज वो चीजें बता रहा हूं कि आप अब, हम क्योंकि 50,000 लोगों की टीम बन चुकी है, हम आपको अगर आज नहीं समझाएंगे ये चीजें तो कल आप बर्बादी की तरफ जा रहे होंगे। 6 टाइप्स लिखकर आप इनको जब तरतीब में देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ यार ये वो चीज है जिसकी वजह से मुझे समझ आ रही है चीज। अब जैसे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, अब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस नहीं बनता अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ये जो मैंने आपको 6-7 टाइप बताई, हो सकता है अगर आप ढूंढने जाएं तो आपको इस तरह ना मिले, लेकिन आपने अपने पास लिखकर चेक करना है, बाकी सब इनके अंदर की एप्लीकेशन है, ठीक है। ETF और ये अभी टाइप नहीं है, अभी आप जो मैं बात बता रहा हूँ उस पर आ जाए। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एक सिंपल चीज होती है कि मैंने किसी को उधार देना है, किसी ने मुझसे उधार लेना है, तो बीच में मिडल मैन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप ये 6 टाइप समझ लो, सब कुछ कुछ हो जाएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, देखो अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो बात थी या बाकी जो चीजें मैंने आपको बताई, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आपने तनख्वाह फिक्स कर दी कि आपने 8 घंटे अगर काम किया तो आपको महीने के एंड पे ऑटोमेटिक इथेरियम या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आपके वॉलेट में तनख्वाह आ जाएगी, ऑटो पे तनख्वाह आ जाएगी। अगर आपने ये किया तो ये होगा, अगर आपने ये किया तो ये होगा, इफ एंड बट वाला जो प्रोग्रामिंग का चक्कर है, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं करेगा उसे, इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये आपको बात समझ आई भी, ये 6 टाइप क्लियर हो गई मेरी भाई, ओके। अब आए सबसे अहम, ये पैसा लगाने से पहले आपने चेक करना है कि भाई ये क्रिप्टो है कौन सी, और क्या पूछेंगे आप, यार ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रही है इंटरनेट की दुनिया में, क्लियर हो ये चीज, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि ये होने के बाद सवाल ये होता है कि यार अब हमें ये बताओ कि हम मैंने वकार जका लगा दिया और ये मार्केट, अब जो जो कॉइन मैंने बताया है, जब भी आप कॉइन बता देख रहे होते हैं तो आपने इन 6 टाइप्स में से जज करना है कि भाई पैसा जहां लॉन्ग टर्म में फंस रहा है, निकलेगा नहीं निकलेगा, और ये कोई कंपनी दुनिया में काम करके दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करके दुनिया को अट्रैक्ट करेगी नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा ये तो मैंने आपको मोटी मोटी जल्दी जल्दी चीजें बता दी, अब आता है कि भाई जान मार्केट में पैसा मैंने लगाया वकार भाई, मैं निकालूंगा कैसे, मुझे निकलना कब है। मुझे एक बड़े अफसोस की बात ये हुई थी कि जब
18 मई को मैंने ये प्रिडिक्शन दे दी, 13 मई को दे दी कि बिटकॉइन 48 से नीचे जाए, शॉर्ट करना है, बिटकॉइन के क्लोज करें। तो मुझे ये फील हुआ था कि सबको ये पता होगा कि बिटकॉइन पे पूरी मार्केट डिपेंड करती है, तो बिटकॉइन जब गिर रहा है तो मुझे मार्केट से निकलना है। बहुत सारे लोग निकल गए, बहुत सारे फंस गए, बहुत सारों ने बोला यार हम तो अभी अभी दिया था कॉइन, हमने कल लिया था। देखिए मार्केट इतनी तेज होती है, जब ये लिखा जाता है कि बिटकॉइन की बर्बादी हो रही है, तो आपने फौरन बाकी कॉइनों से थोड़ा थोड़ा करके निकलना है। अगर शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, तो फिर आपने वो 6 टाइप्स देखनी है जो मैंने अभी बताई कि हाँ यार टेंशन नहीं है, चेन लिंक नीचे है, कार्डानो नियो नीचे है, कोई बात नहीं यार, मेरा मुझे अच्छा लग रहा है कि यार मेरा मेरा जो कॉइन है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दुनिया के लिए बना रहे हैं, मुझे टेंशन नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ उनके लिए जो $100 भी बड़ी मुश्किल से निकालते हैं और कहते हैं यार मेरे 150 हो गए। लोग ऐसे भी हैं ग्रुप में जो कह रहे हैं 10 लाख लगाए कोई बात नहीं, 2024 में देखेंगे। लेकिन आपको साइंस तो पता हो कि ये आपने पैसा लगाया है मेरे भाई, ये आज जब नीचे आ रहा है तो इसका मकसद क्या है, और ऊपर जा रहा है तो ऊपर कैसे जा रहा है, ठीक है? क्योंकि लोग आजकल मीम्स कॉइन को क्रिप्टो समझ लेते हैं कि ये तो सट्टा चल रहा है सब कुछ। ओके, अब आ जाए जी, सेल करने का टाइम कब होता है, ठीक है? क्रिप्टो साइकिल जो मैंने, अगर आपने ARY न्यूज पे देखा हो तो मैंने बोला था भाई क्रिप्टो क्लियर बोला था, और चैलेंज था कि कोई और नहीं बोल सकेगा, क्योंकि बाकी ने ना सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सीखा हुआ है, फॉरेक्स वाला तो उनको नहीं आइडिया था कि क्रिप्टो साइकिल क्या होती है। बेसिकली देखो भाई, क्रिप्टो साइकिल जो है, जो क्रिप्टो हॉल्विंग का चार्ट भी मैं आपको बहुत दफा दिखाता हूँ, क्रिप्टो में से निकलना कब है, बेचना कब होता है, वो समझ लो। क्रिप्टो मार्केट साइकिल के लिए बिटकॉइन हॉल्विंग जो है इसको समझना होता है। इसको मैं हॉल्विंग पे अभी नहीं जाता, आसान कर देता हूं। आप ये समझे कि एक साल आता है जिसमें बिटकॉइन के, समझे 4 साल में एक साल ईद होती है, ठीक है? एक साल मार्केट जो है बड़ी धुआंधार चलती है, ठीक है? और सुपर जो है ना उसके अंदर एक समझे तेजी होती है, 4 साल में एक साल, ठीक है? बिटकॉइन की मार्केट को ही देखना होता है और किसी कॉइन को नहीं देखना आपने, ठीक है? बिटकॉइन सबके अब्बू है, बिटकॉइन की हॉल्विंग को देखेंगे आप, लाइट कॉइन और बाकियों की हॉल्विंग नहीं देखते। इसकी हालविंग को आसान लफ्जों में समझें कि 4 साल में एक साल होता है जिस साल में अभी आप हैं, जिस साल में अभी आप जा रहे हैं, जरूरी नहीं है ऊपर ही जाए, वो नीचे भी आता है, नीचे से फिर ऊपर जा रहा है, ये वो साल होता है जिसमें आपके बड़ा कमाल का पैसा बनता है, बनाने वाले अगर नसीब आपका चल रहा, ठीक है? अब इस एक साल में, ठीक है, ये साल शुरू होता है हालविंग से, जब लास्ट हालविंग हुई उससे लेकर अब तक, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अभी 6 महीने 4 महीने समझ लें, क्या अभी जून है ना, 5 जून है आज, तो सितंबर के एंड तक जो है ये मार्केट चलेगी तेज, ठीक है? यानी हमें मौका देगी एक और बार निकलने का, अभी नीचे है थोड़े से बाद ऊपर, फिर सितंबर के एंड तक, अक्टूबर तक मार्केट ने ऊपर रहना है, नीचे जो भी आई है वापस ऊपर जाएगी, ठीक है? अभी के जो बुल रन है वो सितंबर अक्टूबर तक चलेगा। ये कैलकुलेट कैसे होता है, जिस दिन बिटकॉइन हालविंग हुई उसकी डेट से लेकर एक साल, ठीक है? ये लिख लो अपने पास, जिस दिन बिटकॉइन की हालविंग हुई उससे लेकर एक दिन एक तक। अब आपने देखना है मुझे इसमें कब निकलना है, सही है? इसके बाद अगर अभी पैसा नहीं लगाया, गौर से सुनो, अगर आपने पैसा नहीं लगाया तो आप वेट करेंगे सितंबर के गुजरने का, सितंबर के बाद मार्केट को नीचे आने का, बर्बाद होने का, तबाह होने का, लेटने का जमीन पे, ठीक है? सितंबर अक्टूबर समझ लें, आगे पीछे हो सकता है 1-2 महीने। मार्केट को आपने इतना सीखा इतना सीखा इतना सीखा इतना सीखा कि दिसंबर के अंदर आपने खरीदारी करना शुरू की, ठीक है? उस वक्त जो खरीदारी करते हैं उससे बनते हैं फिर पैसे, चाहे बेशक बेरिश मार्केट हो, क्योंकि वो इतना नीचे आ जाती है कि फिर वो ऊपर जाती है, नीचे नहीं रहती, समझ रहे हो मेरी बात, नीचे नहीं रहती। अब इसके अंदर समझने की एक और चीज है कि बेचने के लिए आपको साइकिल तो समझ आ गई कि भाई एक साल होती है बिटकॉइन हॉल्विंग की डेट से। अब जैसे मैं यहां लिखता हूं बिटकॉइन हॉल्विंग 2020, 18 मई से ये हॉल्विंग शुरू हुई, सही है? 18 मई अभी जब आया, देखें अब मैंने एग्जैक्ट डेट क्या निकाली थी, मैं अपनी तरफ से हवा में कोई तुक्का नहीं मारा था, ये 18 मई को हॉल्विंग हुई थी, 18 मई को मैंने आके ये बोला था टीवी चैनल पर, ये देखें बिटकॉइन प्रेडिक्शन, बाकी जो नए नए आए ना अभी उनको पता नहीं था तो उनको समझ भी नहीं आई थी कि बात क्या हो रही है। ये देखें तकरीबन ये अब ये 24 चैनल का आ रहा है, 20th मई को उन्होंने इंटरव्यू लिया था, तो उससे एक आध दिन पहले ARY न्यूज पे इसी तरह आया था डेट। मैं इसलिए दिखा रहा था कि आपको कॉन्फिडेंस बने, हाँ यार ये वकार जगह ने सही बात बोली थी। कहाँ गया यार, ARY न्यूज की खैर वायरल वो प्रोडिक्शन यहाँ कहीं पड़ी होगी तो आप चेक करेंगे, तो 18 मई ही आनी चाहिए वो, ठीक है? 18 मई ही आनी चाहिए, ये आपको याद होगा, ठीक है? ये आपने अपने जहन में बिठाई बात कि मैंने प्रिडिक्शन करने के लिए टूल क्या यूज किया था, ये बात आपको समझ आई? 18 मई को, 18 मई से थोड़ा पहले
आपने जितनी भी चाइना की न्यूज आती है, जो भी न्यूज आती है, आप देखें जब बिटकॉइन का ये सीन खत्म हो रहा होता है या बिटकॉइन का वो आना होता है, तो वहां आ रहा होता है, ठीक है। इस पूरे ग्रुप का मतलब जो है वो ये नहीं है कि मैं आपको एक टिप दूं, सट्टा लगाएं और आप कल मलिक रियाज बन जाए, ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। और ये स्कूल है मेरी जान, ये स्कूल है, ये कोई ऐसा चक्कर नहीं है जिसके अंदर आप कहेंगे जी अभी बस हमें बता दें, ठीक है ठीक है। और इसमें सीधी सीधी चीजें कि डेटा साइंस आप समझेंगे तो आप भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो यहां से प्रिडिक्शन उठाकर मैंने 18 मई को एआरवाई न्यूज पे बोला ये, तो एक साल, और अभी हमारे पास ये आता है डिप, ये डिप जब आता है, एक डिप अभी आता है और आता है तो बंदों की चीखें निकल जाती है, उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर आ जाती है। तो अगस्त में हमें कि हाँ यार ये दोबारा एक जबरदस्त और अभी खतरनाक बाइंग टाइम है, अभी क्लियर है बिल्कुल सही है। ये देखें अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जिन लोगों को वो लग रहा हो कि किस दिन, मैं वो क्लियर कर देता हूँ कि काफी काफी सारे लोग जो है वो प्रिडिक्शन के ऊपर कह रहे हैं बकार भाई उस दिन नहीं थी, तो एक मिनट मैं आप लोगों को ये क्लियर करता हूँ ताकि आप जिस टीचर से सीख रहे हो आपके सामने कोई बोले तो आपने बताएंगे। इतनी क्लियर प्रिडिक्शन दी फिर भी लोग आधे सोते रहे, क्योंकि भाई मैं देखे ना आपके कंप्यूटर का एक्सेस तो मेरे पास नहीं है, तो मैं आपके आपके वॉलेट को कैसे कर सकता हूँ। तो लॉस में रिस्क मैनेजमेंट को समझ के जब सिग्नल मिल जाता है तो उस वक्त निकलने का टाइम है, अगर नहीं निकलेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अब डेट्स तारीखें के साथ समझा रहा हूँ, जरूरी नहीं है वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन रिसर्च समझनी है आपने कि हाँ यार ये इस रिसर्च के मुताबिक इस तरह बताई जाती है चीज, ये ऐसे नहीं है कि जी उठाया और बस ऐसी हवा में बात कर दी। एक मिनट रखिएगा मैं आपको ब्लैक स्क्रीन किया मैंने एक मिनट के लिए, सो दैट लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएं, ये ना हो कि यार वकार भाई ऐसे नहीं बनाया, ऐसे थोड़ी होता है, होता है होता है, मुझे पता है, मुझे मुझे बिल्कुल आइडिया है। लोगों के अंदर ये एक जज्बा होता है कि वो एक पाकिस्तान में ज़रा ज़्यादा होता है कि नहीं नहीं गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसी बात तो हुई नहीं, ऐसी बात तो होती नहीं है। हाँ ये आ गया जी, तो ये आप बाखबर सवेरा के पेज पे जाएंगे, ठीक है, बाखबर सवेरा 18 मई, और ये सुबह चला था शो, और सुबह जब ये चला था तो 9:30-10 बजे चला था, और ये मैं खुद गया था लाइव, ठीक है। ये बात क्लियर हुई आपको, ये मत लिखो शर्जील ये यहाँ क्यों लिखा है तुमने, शर्जील भाई ये अब नहीं लिखना, पूरा ग्रुप खराब हो जाता है, अब नहीं लिखना यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ ट्विटर की कोई भी अभी कोई उल्टी पुल्टी बात नहीं लिखो, ठीक है। 18 मई आपने लिख लिया, आपको लॉजिक समझ आ गई कि मैंने हॉलविंग से कैसे को पोस्ट किया था, नहीं ये बाखबर सवेरा जो है कब का आ रहा है भाई, ये क्या एडोब फोटोशॉप से बनाया है, कहाँ है, नजर आ रहा है, अभी जो बात हो रही है वो देख लें ताकि आपको श्योर हो जाए कि जो आपका टीचर पढ़ा रहा है उसके उसके पीछे साइंस क्या है। ठीक है मेरे भाई, बाखबर सवेरा के पेज पे जाके एक दफा कंफर्म कर लें ताकि बाद में ये ना, अबे वो कार भाई उस टाइम तो नहीं था जानी, तो उस टाइम नहीं था, इस टाइम था, अभी जो बात हो रही है उस पे आ जाए। ये नहीं लिखो फॉलो मी या नहीं लिखो बार बार, क्या कर रहे हो यार, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बात बताई ये क्लियर हो गई है मेरे प्यारे दोस्तों, अरबों रुपए की इंफॉर्मेशन ऐसे दे रहे हैं, जो कह रहे हैं उस पर फोकस कर ले, ठीक है। बाखबर सवेरा वाला भी क्लियर हो गया कि प्रेडिक्शन किस दिन की थी, सही है। और मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूं, ताकि जो प्रेडिक्शंस हैं, और ये प्रेडिक्शंस खराब भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कोई नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, हम कोई जिसे कहते हैं ना कि कितनी मार्केट में इस तरह रेट चल रहा था, ये चेक कीजिएगा 18 मई को जब ये प्रेडिक्शन की है, जिस टाइम चलो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ है, उस वक्त प्राइस थी 45,000 की, ठीक है। और 45,000 से मैं कह रहा हूं, जब सब कह रहे थे ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, मैंने कहा भाई 40 पे आएगा फिर एकदम 30 पे आएगा, 30 से आप दोबारा खरीदारी कर सकते हैं, ये वीडियो आपने देखी भी है, सही है, ये नोट कर लीजिए अपने पास, ये कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए कि जिसको फॉलो कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं कह रहा था कि, और वो समझा रहे लॉजिकली आपको कि भाई इस तरह होता है, जरूरी नहीं है, ये डेटा की साइंस हमेशा चले, अल्लाह ताला के हाथ में होता है सब कुछ, इज्जत और जिल्लत वो कभी कभी। एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि मैं फिर आपको बताऊं बेचने और निकलने का टाइम, आप ये देखें, ये एक और जल्दी से दिखा देता हूँ कि ग्रुप में ये बात पहली हो रही थी, ठीक है, ग्रुप में जो है ये बात पहली। अब 13 मई को जो प्राइवेट ग्रुप है उसमें पोस्ट हमने कर दिया, बताया मैंने कि देखिए भाई सारे ग्रुप्स ये कह रहे हैं कि ये 70 पे जाएगा, 65 पे जाएगा, वो भाई वहां जाएगा जब जाएगा, अभी तो नीचे आ रहा है, वो नहीं बताओगे, कोई बता ही नहीं रहा होता, सही स्टोरी नहीं समझा रहा था। अब देखिए पोस्ट मैंने किया था 13 मई को कि इज नॉट अ गुड साइन, थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर बिटकॉइन, सो इफ यू आर इन टू अ बिटकॉइन ट्रेड और फ्यूचर्स बुक प्रॉफिट्स, अ शॉर्ट पोजिशन इज देयर, यानी शॉर्ट का मतलब ये होता है कि नीचे जाने पे भाई आप वहां पर जाके ट्रेड लगाओ, इफ बिटकॉइन ब्रेक्स डाउन टू 48,900 तो इस पोजिशन से आप शॉर्ट की पोजिशन ले सकते हैं। हम फ्यूचर रेकमेंड नहीं करते लेकिन लोग कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी हम टिप दे देते हैं। हमने कहा था 13 मई को कि अभी 43 टच करेगा और इस पूरे साइकिल में आपने ये पॉइंट उठाने हैं।
अच्छा, अब ये जो पूरी बात थी इसको मैं बैक कर रहा हूँ इस डेटा से कि यहाँ से उठाया था, ठीक है मेरे भाई। वो हॉलविंग वगैरह बताएंगे, पहले आप ये समझ लें जो अभी बात हो रही है ना, ठीक है ये बात क्लियर हुई। तो ये जो हॉलविंग है इसको समझना जरूरी होता है अगर आप इस पूरे सीन में को समझना चाहते हैं, और ये बहुत दफा हमने पूछ किया ग्रुप में, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज अनाउंसमेंट में जाके देखें ताकि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। प्रोडक्शन क्लियर हो गई, हर चीज क्लियर हो गई, ग्रुप में पहले बताया था, एआरवाई न्यूज पे बाद में बताया था, तो अगर आप लोगों ने फॉलो किया होता और इसको समझा होता तो आपको एग्जिट ले लेना चाहिए था, ठीक है। दूसरी बात, अब जो वो लोग लिख रहे होते ना कि हमने पैसे बनाए, किसी ने मोबाइल भेजा, किसी ने ये भेजा, वो है जिन्होंने फ्यूचर में जाकर शॉर्ट की पोजीशन खोल ली थी, फिर कि हाँ यार वकार ने बोल दिया हम खोल लेते, ठीक है हम मना करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता ना आपका फाइनेंशियल फाइनेंशियल आपकी ग्रिप क्या है, आपके पास $100 है या आपके पास $1,00,000 है, हम नहीं रेकमेंड करते आपको फ्यूचर, इसलिए सही। अब आगे इस चीज को समझने की जरूरत है कि देखिए हॉलविंग की हर चीज डली हुई है, देखिए पूरा लेक्चर खराब हो जाएगा अगर आप दोबारा मैंने लेक्चर को चेंज करने की कोशिश की, ठीक है। अब आपने इस तरफ आना है कि इस चीज को समझे कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी में, किसी भी, अब हम बात करें ऑल्ट कॉइन हो या इथीरियम हो, लाइट कॉइन हो, निकलने का सीन क्या होता है मेरा भाई। अब आपने गौर करना है एक चीज पे, और वो होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म टॉप, ठीक है। लॉन्ग टर्म टॉप स्टॉक्स में होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म टॉप, सही है, जहां जैसे लोकल टॉप भी कहते हैं, दोनों लिख लें, लॉन्ग टर्म टॉप देखना होता है आपको और एक होता है शॉर्ट टर्म लोकल, कर लें लोकल ताकि वो जो स्टॉक वाले उनको भी समझ आए, ठीक है। आपने कर लेना है लॉन्ग टर्म हो गया और एक हो गया लोकल टॉप्स, सही है। अब ये लोकल टॉप्स जो है ये क्रिप्टो कर लेते हैं, ठीक है, लोकल टॉप शॉर्ट टर्म टॉप, ये आपको बहुत सारी चीजें यहां पर नजर आ रही होंगी स्टॉक में, फाइनेंस में, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है ब्लू ऑफ, ठीक है, ब्लू ऑफ टॉप, ठीक है। अब ब्लू ऑफ टॉप जो है ना ये समझना जरूरी होता है, ठीक है। आपको ये देखना है यार मार्केट अभी उस लेवल पे आ गई है कि निकलना था, जब बाद आप कॉइन लेके निकलते हैं वो कॉइन ऊपर चला जाता है, आप कहते हैं यार ये क्या हुआ मेरी जान, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, मैं निकल गया ऊपर चला गया कॉइन, ये पकड़ना इंतहाई इंतहाई मुश्किल होता है, इंतहाई, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ, ये कभी भी ये पक्की चीज नहीं हो सकती, लेकिन आप फिर भी कुछ टूल्स को यूज करके आराम से इस पे चल सकते हैं कि हाँ यार ये वाकई निकलने का टाइम है भी क्या नहीं है। तो लॉन्ग टर्म टॉप जो है वो सितंबर या अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है, ठीक है, कि बिटकॉइन का एक फाइनल, जिसके कहेंगे ना कि उसके बाद बिटकॉइन का ऊपर जाना जरा मुश्किल है, अनटिल अनलेस ये ना हो जाए कि दो बड़ी चीजें हो, ठीक है। दो बड़ी चीजें क्या हो जिस पे नजर रखनी है कि एक मार्केट है सबसे बड़ी और वो है चाइना की, चाइना अनाउंस कर दे कि हम जी बिटकॉइन को अलाउ कर रहे हैं। अब आप सोचें चाइनीज सेकेंड बड़ी इकोनॉमी है और सबसे ज्यादा आप अगर वो क्रिप्टो को अलाउ कर दें, क्रिप्टो खोल दें अपनी क्रिप्टो करेंसी छोड़कर और इसकी तरफ आ भी रहे हैं क्योंकि इन्होंने बाय डिप से करने के बहुत सारे चक्कर किए हैं, तो बहुत सारे ऐसे चक्कर होंगे जिसमें क्रिप्टो लोग फौरन खरीदने की कोशिश करेंगे, है ना। जब इतने सारे चाइनीज खरीदेंगे तो मार्केट ने सुपर डुपर पंप लेना ही लेना है ना। आपको चाइना पे नजर रखनी है कि चाइना जो है उसके अंदर क्या हालात चल रहे हैं, क्योंकि ये जैसे ही कूदे तो फिर एकदम समझ लें काम जबरदस्त हो जाएगा, ठीक है। दूसरी जो चीज है वो एडॉप्शन है, ठीक है। एडॉप्शन क्या होती है जी, कि वीजा कार्ड जो है उसने बोला जी कि मैं वीजा ETH, ठीक है। अब वीजा कार्ड ये कहता है कि भाई वो अपनी जो सेटलमेंट्स है, वो क्रिप्टो ट्रांजेक्शन की जो सेटलमेंट्स हैं वो अब ये ब्लॉकचेन और इस तरह जो करेगा उस पर उसको इथीरियम यूज करने पड़ेंगे गैस फीस के लिए, ठीक है। ये अपनी जब ट्रांजेक्शन इस पर सेटल करेगा तो ऑब्वियसली इथीरियम कुछ ना कुछ तो यूज होगा ही फीस के लिए ना, तो फीस के लिए जब यूज हो रहा होगा तो ऑब्वियसली इथीरियम की प्राइस पे पंप आएगा। तो फंडामेंटली आपको देखना है कि हाँ यार इसका तो इतनी जल्दी ब्लो ऑफ टॉप नहीं आने वाला, क्योंकि ये तो चल रहा होगा ठीक ठाक तरीके से, सही है, क्योंकि इसका यूज केस बढ़ जाएगा, सही है, ये बात क्लियर हुई। तो पहली चीज, क्रिप्टो मार्केट साइकिल 4 साल की, उसके अंदर 1 साल जो है हालविंग की डेट से लेकर एक जब तक वो डेट वहां पूरी होती है तो वहां एक डिप आता है और वहां से फिर 2 महीने 1 महीने बाद जाना चाहिए ऊपर, हो सकता है कोई और गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन हम डेटा पे चल रहे हैं, देखें हिस्ट्री पे चलते हुए ऊपर जाना चाहिए और उसके 3-4 महीने के बाद मार्केट फिर आहिस्ता आहिस्ता डाउन पे आती है, सही है। ये बात एक टेक्निकली आपने अपने पास बिठा ली कि हाँ यार ये इस तरह मार्केट चलती है, इस तरह इस मार्केट में हमें अपनी मूव लेनी है, इस तरह हमें निकलना है, सही है। अब आप कहते हैं कि यार हम जो है मार्केट में जितने भी स्मॉलर मार्केट कैप होता है, ये तो सभी को पता है कि जिस मार्केट कैप का मतलब है पैसा, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट कैप लिखा हुआ है ना, अब इसका मतलब दुनिया ने इसमें कितना पैसा लगाया हुआ है। अब दुनिया ने इतना पैसा लगा दिया है बिटकॉइन में, तो यानी बिटकॉइन में अगर बहुत बड़ा भी पंप आया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना आपके पास, तो भाई हर कोई तो ही $35 करेगा। तो आप क्या करते हैं, वो कॉइन जिसका मार्केट कैप जो है अभी कम, यानी दुनिया ने उसमें कम पैसा लगाया है और उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई
ज्यादा ना हो, ठीक है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो और मार्केट कैप अभी कम हो, तो आप उसमें पैसा लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसमें पैसा लगाते हैं। और उसमें लगाते भी आप क्या देखेंगे, आप क्या देखेंगे, वो जो मैंने आपको 6 टाइप्स बताई है ना, उनको देखेंगे कि हाँ यार चलो मार्केट कैप तो कम है, सर्कुलेटिंग सप्लाई भी, लेकिन ये दुनिया की प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रही है और ये कौन सी कैटेगरी में आती है। सही है, आपने ये जो पैसा आप इसमें लगाया तो इसमें पैसा ज्यादा बनने का भी इम्कान है, ठीक है। अब आपने इस तरफ नजर रखनी है कि यार मैंने पैसा लगाया, निकालते हुए मुझे देखना है कि चाइना ने तो कहीं इसे अडॉप्ट करना नहीं शुरू कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज आपने नजर रखनी है ETF, ठीक है। अब बिटकॉइन और ये ETF, ऐसे आसान लफ्जों में बता दूं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, मतलब जैसे अगर जो बड़े बड़े लोग जो बिटकॉइन के वॉलेट शॉलेट नहीं लेना चाहते कुछ कर, वो कहते हैं भाई हम किसी कंपनी को देते हैं, वगार जगह तुम पैसे ले लो, बस हमारे नाम पर समझो है हमारे पास बिटकॉइन। ये आसान बिल्कुल सही उर्दू है। अब इथीरियम जो ETF है वो इथीरियम का बाज लोगों को लगता है पहले आ जाएगा, ठीक है। इथीरियम जो है उसका ETF पहले होने का इम्कान नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि SEC अमेरिका में जो, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, 7 मई की ये रिपोर्ट है, कंपनी ने फाइल्स ने जो है SEC के अंदर इथीरियम ETF जो है SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो अमेरिका का है उसमें अप्रूवल के लिए इथीरियम का डाला है। इथीरियम का अगर अप्रूव होगा तो इथीरियम के फिर जो कहते हैं ना, जिसे एक चीज कहा जाता है फ्लिपिंग, ठीक है भाई, फ्लिप कर जाएगा तो इथीरियम हो सकता है बिटकॉइन की जगह ले ले। इथीरियम में इतना पोटेंशियल है, वो जो मैं इथीरियम कह रहा हूं कि कोई कॉइन अगर बिटकॉइन को रिप्लेस कर सकता है तो वो इथीरियम है, ठीक है। क्योंकि इथीरियम का ETF आ गया, तो ETF का मतलब आसान लफ्जों में ये है कि जो बंदा बाइनेंस पे नहीं जाता, जो कहीं भी नहीं जाता, वो आराम से घर बैठ के बोल देगा भाई मैं अरब रुपया दे रहा हूँ, मेरे इथीरियम मेरे नाम ले लो, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ETF पे नजर रखनी है कि इथीरियम का, और अगर इथीरियम का ETF SEC कबूल कर लेती है, अमेरिका में आ जाता है, तो इसका मतलब फिर बिटकॉइन का भी आएगा। तो बहुत सारी कंपनीज ने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है, तो अगर आपने पहले बेच दिया और ETF आ गया तो फिर आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, यार मैंने पहले क्यों बेच दिया, ये तो ऊपर चला गया कॉइन, ठीक है। वो जो आता है ना कि मैं पहले क्यों, पहले कैसे, पहले नहीं बेचना, तो आपने देखना, हाँ अगर ETF रिजेक्ट हो जाता है, अगर SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन रिजेक्ट कर देता है, जैसे ही आपको खबर मिले कि इथीरियम का बिटकॉइन का ETF रिजेक्ट हो गया है और आप लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करना चाहते, आप वो नहीं है कि आप कहें यार ये नीचे जा रहा है, आपने इथीरियम को USDT में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एकदम झटका लगेगा कि यार ये क्या हुआ, ये तो गिर गई मार्केट, ठीक है। ये बात समझ आई सबको, ETF वाली बात समझ आई, ETF वाली बात समझ आई मोहसिन, यहां नहीं लिखो, जो भी आप जब तक मैं दोबारा नहीं बोलूंगा कि आप ट्विटर पे जाके वहां करें, जो भी ग्रुप में लिखेगा वो बैन हो जाएगा, ट्विटर की कोई चीज लिखेंगे बैन हो जाएगा आप, वो सारे ग्रुप पोस्ट अप्रूवल पे जा रहे हैं @ बार बार लिखने की वजह से, मैं फिर आपको बता रहा हूं, ठीक है। ETF वाली बात समझ आई आपको, ETF वाली बात समझ आई कि सिक्योरिटी एक्सचेंज जो अमेरिका का है उस पर अगर इथीरियम वो रिजेक्ट कर देते हैं तो इथीरियम में डंप आएगा, नहीं आएगा, और अगर अप्रूव हो गया तो फिर इथीरियम फ्लिप कर जाएगा बिटकॉइन को। क्लियर हुई ये चीज, ETF क्लियर हो गया भाई सबका, ओके। अब आपने आप कहते हैं यार एक तो ये लॉन्ग टर्म हो गया, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि लोकल टॉप आ चुका है इसका। लोकल टॉप का मतलब ये कि हॉल्विंग के बाद जो सितंबर तक चलना है, बीच में भी तो मार्केट थोड़ी डंप लेती है ना, वो जो मार्केट बीच में डंप ले रही है उसका क्या सीन है, ठीक है, उसका सीन जो है कैसे पता चलता है उसके लिए। अब आप कहते हैं यार मुझे तो भाई ये टेक्निकल एनालिसिस बकार, भाई मेरे तो सर पे रॉकेट बन के निकल जाता है, ठीक है, इसका क्या करना है। अब आपने क्या किया, आप आए सीधा सीधा यहां, ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग पे आ गए बाइनेंस पे। ये मैं आपको बहुत आसान करता हूं ताकि लोगों को जो प्रॉब्लम आती है ना कि कॉइन ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो एक ही दफा आज क्लियर हो, ताकि अब हम पंप एंड डंप की तरफ जा रहे हैं, तो 50,000 लोग इनफ है हमारे लिए। अब ट्विटर की भी आप लोगों की वो मार्केटिंग कर दी है, कोई मार्केटिंग करेगा नहीं, अब हम आपको वो सिखाना चाहिए, ये कोई बात नहीं, जब भी नहीं हम बनेंगे, हम टाइम लेंगे, आप पढ़ेंगे देखेंगे इसको इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ चीते बन जाओ, क्योंकि कोई बोले भाई ये तूने कॉइन क्यों लिया, तो आपको पता हो भाई ये 6 टाइप है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ETF आने वाला मेरी जान, ये सीन पार्ट है। आज जो है ना मैं आपके पूरे साल की फीस कवर करवा दूंगा, टेंशन नहीं लें। आपने सबसे पहले आए यहाँ, जो भी कॉइन है बिटकॉइन या जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है, आपने यहाँ क्लिक किया, इसको बड़ा कर लिया, ठीक है, इंडिकेटर भी सारे हटा दो, सब कुछ हटा दो, ठीक है, आपने सब कुछ हटाया, आपने क्लीन कर दिया अभी से, सही है। क्लीन करने के बाद आपने एक मिनट रुके, बिल्कुल आपने बाइनेंस के ऊपर जिस भी क्रिप्टो में काम कर रहे हैं उस पर आपने क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद सही है,
आपने सबसे पहले जो है चार्ट को आराम से, जैसे मैंने जो आपको वो बताया ना तरीका, पहले तो आपने वो करना है। फ्यूचर ट्रेडिंग में जाकर फ्यूचर का थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा होता है उसको देखते हुए, सही है। अब आपने देना है कि इस पूरी जगह पे, पूरी जगह पर देखते हुए टाइम फ्रेम जो है ना उसको आपने डेली कर देना है, ठीक है, ठीक है, वन डे डेली टाइम इस तरह आपने करके, एक मिनट, मैं आपको चारों के और आसान ऐसा बताएं, ठीक है। आपने ये वन डे पे क्लिक कर दिया, ठीक है, आपने सबसे पहले स्पॉट ट्रेडिंग पे आए, आपने वहां के चार्ट खोला, उसको बड़ा किया, सारे इंडिकेटर हटा दिए, सारे इंडिकेटर हटाने के लिए यहां क्लिक किया, ये जितने भी थे टप 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 हटा दिए, और आपने सिर्फ पहले इसको क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद आपने ये देखना है डेली पे, सही है, डेली पे आपने देखना है कि कहां कहां मूव ऐसी आई है, ऊपर वेव कहां बनी है ऊपर जाने वाली, ठीक है, थोड़ा सा आपने इसको देखा। उसके बाद आपने इनको नोट करने के बाद 4 आवर खोला, चार घंटा, चार घंटे में क्या सीन चल रहा था, सही है। आपने ये देखना शुरू किया कि इसमें अब देखो जैसे गिरावट ही आई जा रही है, ठीक है, आपने ये देखना है कि यार क्या मैं कैंडल से ये देख पा रहा हूं कि लास्ट टाइम, जैसे यहां से अगर मैं जाऊं, यहां पर जो ये जो नजर आ रहा है ना वेव ऊपर गई, ये जो इस तरह वेव्स ऊपर जा रही होती हैं, इसमें पैराबोलिक एक्शन आपने देखना है, ठीक है। अगर आपको डेली में वो पैराबोलिक नहीं नजर आ रहा तो आप 4 आवर में देखते हैं कि पैराबोलिक कहीं ऐसा हुआ है वहां से ये जो हटा, सही है, इसको जो है आप कह सकते हैं कि यार मेरा एक टॉप जो है ना लोकल वो हटा है भी, सही है। मैं चाह रहा हूँ यार इतनी आसान कर दूं कि ना वो टेक्निकली, मैं चाह रहा हूँ कोई और इजी एग्जांपल करूं ताकि ना लोकल टॉप और फलाना टॉप में फंस ना जाए, तो मेरे वो अल्फाज मैं चाह रहा हूँ और पक्के वाले लेकर आऊँ ताकि जिसने कभी भी ना किया उसको भी समझ आ रहा हो, तो मैं चाह रहा हूँ टेक्निकल लैंग्वेज में, जो साइंसदान है उनके लिए नहीं बता रहा। अच्छा, ये आपने देखना है कि इनमें कहाँ कहाँ पर ऊपर मूवमेंट आई हुई है, सही है। अच्छा, इसके बाद आपने पहले क्लीन देखना है, क्लीन देखने के बाद आपने और ज़्यादा देखना है तो आपने यहाँ क्लिक किया इंडिकेटर्स पे, आप पहले EMA खोल लिया, ठीक है, ये बहुत बार हमारे लोगों ने बताया है, आपने सीधा सीधा ये खोला, सही है, और ये खोलने के बाद आपने दूसरा इंडिकेटर जो है BOLL बोलिंजर बैंड ये खोल लिया 4 आवर पे, ठीक है। ये आपको एक बेसिक इंडिकेशन दे रहा है, सही है, कि भाई यहाँ जब भी जाता है तो यहाँ से फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। एक दफ़ा ये जो बड़े डिप होते हैं इस किस्म के, ये कभी कभी ऐसा होता है, वरना यूजली इनके अंदर ही ये वॉलेटिलिटी को जो होता है ना, बहुत तेजी है मार्केट में, उसको दिखा रहा होता है। तो आपने इसमें देख लिया कि हाँ यार ये यहाँ टच कर रहा था ना, तो यहाँ मुझे निकल जाना चाहिए। अब आगे जो भी इस पे सीन आ रहा हो, आप आए आगे, आपने यहाँ पर आके पहले वो एक्सरसाइज की जो मैंने आपको बताया है, फिर आपने देखा हाँ यार ये इस लाइन पे लगकर हमेशा ऊपर आ रहा है, ये पक्का नहीं होता लेकिन कुछ आइडिया आपको दे रहा होता है कि कब निकलना चाहिए। आपने खोल के रखा, आपने कहा यार मैं देख रहा हूँ 4 आवर पे, अब अगली दफ़ा जिसने यहाँ तक तो आना चाहिए इसे, चलो यार मैं इस टाइम पे ना यहाँ का सेल ऑर्डर लगा देता हूँ और निकल जाता हूँ, सही है, ये एक चीज़ हो गई। फिर इसके अलावा RSI होता है, RSI को नॉर्मली आसान लफ्जों में समझे कि भाई ओवरबॉट तो नहीं है, ज़्यादा खरीदारी तो नहीं हो गई, ठीक है, ये देखें यहाँ RSI लिखा हुआ है, आपने यहाँ क्लिक किया, ये दिखा रहा है भाई ज़्यादा तो नहीं खरीदा चला गया, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है इसमें नीचे आया हुआ तब तो खरीदारी होगी होगी इसमें, ठीक है। अब इसके अंदर जो टेक्निक्स हैं वो अलग से हमने टेक्निकल एनालिसिस में बताई, जो टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं कि एंट्री लेते हुए आपको किस टाइम पे लेनी है, लेकिन जनरली आप RSI को इस तरह देखते हैं कि भाई ज़्यादा खरीदा गया या कम खरीदा गया, सही है। अच्छा, यहाँ पर ये दो चीज़ें देखने के बाद बंदा थोड़ा कंफ्यूज होता है कि RSI के बाद तो फिर आप वकार भैया आप MACD भी खुलवा देंगे, MACD भी खुलवा देंगे तो फिर तो हम टेक्निकल एनालिसिस पे चले जाएंगे, तो आप कोशिश करें कि सिर्फ ये जो एक चल रहा है ना ये 4 आवर पे आप ये देखें सिर्फ, ठीक है, तो सिर्फ आपको आइडिया मिल जाएगा। जब तक कोई बहुत बड़ी न्यूज़ कोई एलोन मास्क या कोई और नहीं आती तो ज़्यादातर झटके इसी में बिटकॉइन या जो भी आपका कॉइन है वो हल्का फुल्का इसमें ले रहा होता है, लेकिन ये भी 100% नहीं दिखा रहा था, लेकिन ये उनके लिए जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था जो ग्रुप में पोस्ट कर रहे होते हैं, अबे यार कुछ तो बता दो मेरा कॉइन नीचे क्यों जा रहा है ऊपर क्यों जा रहा है, बात समझ आइए। अच्छा, इन तमाम चीजों के साथ आपने हमेशा एक चीज और देखनी है, बिटकॉइन डोमिनेंस। बिटकॉइन डोमिनेंस का मतलब यह कि भाई बिटकॉइन जो है कितना अभी हुकूमत कर रहा है इस वक्त पूरी मार्केट पे। जब जब ये नीचे आएगा, जब जब ये बहुत नीचे आ रहा होता है, तो या तो दूसरे जो कॉइन्स हैं उसके अंदर हल्का पंप या उसके अंदर एक बढ़ावा होने का इम्कान होता है, या फिर पूरी मार्केट का ही सिफाया होने वाला होता है, और पूरी मार्केट का सिफाई के लिए आपने वो हल्विंग की जो मैंने डेट्स बताई हैं उसको देखना होता है, समझ आई, ठीक है। आपने ग्रुप बंद है, आप ग्रुप में नहीं है, आपने आके यहाँ पर ये खोला, आप यहाँ से देख लें बिटकॉइन, कोशिश करें कि आप इसको देखा करें क्रिप्टो कैप के अलावा बिट स्टैम्प पे देखा करें, ठीक है, बिट स्टैम्प पे खोल के देखा करें,
तो आपको एक जनरल आइडिया आ रहा होगा कि भाई बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है, लोग इसमें से पैसा निकाल के जा रहे हैं, तो पूरी मार्केट का लॉस होने वाला है। सही है। अब इसके अलावा जो बुल ट्रैप है, बुल ट्रैप को समझना चाहिए। सितंबर अक्टूबर के बाद ये याद रखिएगा कि एक हल्का सा पंप आएगा, ऐसा पंप होगा कि आप कहेंगे भाई तो मार्केट ऊपर जा रही है, वकार भाई तो अपनी तरफ से बोल रहे थे तो मार्केट फिर ऊपर जा रही है, आप फिर कूद जाएंगे अंदर, फिर कूदेंगे वो मार्केट आपको ले डूबेगी। तो बुल ट्रैप से बचना है, ठीक है। वो आप में फेयर क्रिएट करती है कि यार मेरे से मिस हो गया, मेरे से मिस हो गया। आपसे मिस नहीं होता। देखें एक और बात, आप इन लाइन बोलिंजर बैंड को देख के चल रहे हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, यहां से थोड़ा सा पहले निकल गए, ये थोड़ा सा और ऊपर निकल गया, आप तो अपना प्रॉफिट बना गए ना थोड़ा। ये तो नहीं हुआ कि आप बोले कि नहीं यार मेरे तो भाई वकार भाई ये तो और ऊपर जा रहा था। कुछ साइंस पता होनी जरूरी है। मैं आपको और एक्सरसाइज और टेक्निक अभी ऐसी इजाद कह रहा हूँ, ऐसी निकाल रहा हूँ जिससे आपको टेक्निकल एनालिसिस ना करना पड़े। एक्सरसाइजेज जो मैंने बताई आपको उनको करके आप ऑटो पे आपके दिमाग में, जैसे मेरे होता है ना, मैं फोन पकड़ लेता हूँ, यूं करना है अभी ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो ये आप भी करने लग जाए। वो ट्रेन जो ब्रेन की जो मैंने शुरू में चीज बताई है उसके ऊपर आपने अपनी पूरी पूरी नजर रखनी है, ठीक है। अब आपने जो है ना सबसे जो लोकल, जो जैसे कहते हैं ना कि लोकल टॉप को जो स्पॉट करने का तरीका है, वो मैंने बुलिंजर बैंड और आरएसआई वगैरह के साथ करते हैं, ठीक है। लोकल टॉप का मतलब ये होता है कि जब तक पूरा साइकिल क्रिप्टो का नहीं खत्म हुआ, तो उसके बीच में जो नीचे ऊपर मार्केट हो रही है उससे कैसे कमाना है, सही है। और जो लॉन्ग टर्म जो है, लॉन्ग टर्म जो आप कहते हैं ना लॉन्ग टर्म टॉप, अब वो जो है देखे सितंबर 2021 से जनवरी 2022, ठीक है, जनवरी 2022 ये आपने अपने पास लिख लेने, ठीक है। आप ये वो टाइम है जिस टाइम से पहले पहले आपको अपनी तैयारी करनी है कि यार मुझे लॉन्ग टर्म कॉइन रखने हैं, मुझे शॉर्ट टर्म कॉइन रखने हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है? मैं एक मिनट जरा कमेंट देख लूं, आज लेक्चर जो है ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए आप लोगों के लिए। ये आपको बुल ट्रैप का मतलब ये होता है कि जैसे ही मार्केट का बुल साइकिल खत्म हो जाता है और लोग निकल रहे होते हैं, तो कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते हैं, जैसे अकील करीम डैडी भाई आए या मलिक रियाज भाई आए फर्ज करें क्रिप्टो के, और वो ना पैसा एकदम पंप करते हैं कि लोग जो नए नए आए होते हैं ना बिल्कुल, वो कहते हैं अबे अबे बुल मार्केट खत्म नहीं हुई, अभी तो बुल चल रहा है। बुल का मतलब ये कि तेजी है मार्केट में, अबे भाई तेजी चल रहा है, ठीक है। ये मुझे बताइए आपको सर चीज क्लियर हुई है? अब आपने इसी लेक्चर को बार बार देखना है, ठीक है, शुरू से आखिर तक। और जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है शुरू में, वो लाजमी लाजमी आपने जो है ना वो आपने करनी है, ठीक है। बुलंजर बैंड और सूर्य मुजम्मिल का ये मेरी अपनी टेक्निक है भाई, बाकी अब वो अगर जो डार्क वेब पे जाते हैं उनको पता है कि वो फाइनल बीट्स को यूज करके वो बुलंजर बैंड को देख रहे होते हैं। आपकी मर्जी, आप उस पर करें, आप इस पर करें, मेरे मैं सिर्फ इनकी सुनता हूं और इनको सुन के मैं बड़ी देर तक फील ले लेके कर रहा होता हूं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको ठीक लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि आसान लफ्जों में बताऊं और बताऊं, समझा सकूं कि मार्केट में आप क्यों हैं, मार्केट में धंधा कैसे करना है। ये मैंने बहुत जो है ना, हमने बहुत इस पर रिसर्च की कि आसान लफ्जों में इस तरह बता दें कि यार किसी तरह लोगों को ये समझ आए कि ये मार्केट में हम क्यों घुसे हुए हैं, ठीक है। क्लियर हो गई है मेरे भाई बात? अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लेक्चर को दोबारा देखिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि मार्केट में क्यों आ रहे हैं, आप किस लिए आ रहे हैं। और इंशाल्लाह ये तो अभी शुरुआत है, 50,000 लूंगा, मुझे वेट था 50,000 लोग, क्योंकि अब हो गए, अब असल लेक्चर आपके पास शुरू हुआ करेंगे जो हर तीन दिन दो दिन बाद आया करेंगे, और जिससे आप ऐसे हो जाएंगे कि आप कहेंगे यार बस जब मार्केट गिरनी है, हमने फ्यूचर ट्रेडिंग में जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, जब मार्केट का वो बुरा टाइम शुरू होगा ना तब शॉर्ट कर करके कमाएंगे, समझ रहे हो मेरे भाई बात? लॉन्ग में हमेशा वो है, बेयर मार्केट में आके जब ये मार्केट गिर जाएगी, जब सब चले जाएंगे, तब हम आपको शॉर्ट कर करके बनाना सिखाएंगे कि कैसे, लेकिन उससे पहले वो प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। सितंबर और जनवरी वाली बात मैं नेक्स्ट लेक्चर में और क्लियर करूंगा, बहुत बहुत हैवी ड्यूटी हो जाएगा, अभी संभालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आज आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, मैंने कोशिश की तेज बताऊं, सॉरी एक घंटे की वीडियो होगी उसके लिए माजरा था, लेकिन अब 50,000 से जो लोग आ गए हैं, प्लीज ट्विटर की कोई चीज पोस्ट नहीं कीजिएगा, वो @ बार बार पोस्ट करने से गड़बड़ हो रही है, प्लीज वो मत कीजिएगा, मैं बताऊंगा दोबारा, एक दूसरे को फॉलो करना है। रेडिट पे आपने लाजमी अकाउंट बना लेना है जितने लोग हैं, क्योंकि हम पहली चीज जो पंप करने जाएंगे वो जो हमारा अपना कॉइन है उसको हम करेंगे, क्योंकि वो हमारे हाथ में होगा, मार्केट को घेरेंगे, बुलाएंगे और फिर कहेंगे आओ बेटा इधर आओ। तो ये जो टेनअप है, टेनअप के रेडिट को आपने जरूर ज्वाइन कर लेना, टेनअप के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। ये टेनअप पे क्लिक किया, आज देखें ये 13% गया हुआ है, टेनअप पे अभी वॉल्यूम कुछ नहीं, इसमें अभी हमने कुछ भी नहीं किया, टेनअप पे जाकर, क्योंकि अभी आगे हम इसमें बड़ी आज ही और कल इसकी बड़ी न्यूज हम दे देंगे, लेकिन अभी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। यहाँ इसकी इस पर वेबसाइट पर जाके आपने क्लिक कर लेना।